मंत्री देवनानी को फिर से उदयपुर भेजने के लिए ब्राह्मण समाज ने खरीदा टिकट। टिकट के साथ ही रास्ते में पीने के लिए पानी और खाने के लिए बिस्कुट भी खरीदा। अटल मीडिया सेंटर पर दिया टिकट। जब जब ब्राह्मण जागा है भूत पिशाच भी भागा है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि ब्राह्मण समाज शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी से कई समय से नाराज चल रहा है। आज चुनाव से पहले बल्कि टिकट मिलने से पहले ही ब्राह्मण समाज ने मंत्री देवनानी के लिए चंदा इकट्ठा कर उदयपुर का टिकट खरीदा है, जो कि अटल मीडिया सेंटर पर दिया गया। इतने ही नहीं, टिकट के साथ में पानी की बोतल और बिस्कुट के पैकेट भी दिए हैं, ताकि उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ न हो। इनका कहना है कि पानी की बोतल इसलिए दी गई है क्योंकि वो अजमेर की जनता को पानी नहीं दे पाए, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत न हो। ब्राह्मण समाज चाहता है कि मंत्री वासुदेव देवनानी अजमेर को छोड़कर फिर से उदयपुर चले जाए, अन्यथा भाजपा ने टिकट देती है तो उसका परिणाम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसका टिकट कहां को देने के लिए है? जब जब ब्राह्मण जागा है भूत पिशाच तक भागा है, ये भावनाएं ब्राह्मणों की है जो ब्राह्मण बताने आए हैं आज भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर पर। और मीडिया सेंटर पर जो अजमेर के जो शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी है, उनको हमने अजमेर से उदयपुर का टिकट या रेल टिकट जो है उनको दिया है, और बाकायदा ब्राह्मण समाज ने चंदा इकट्ठा कर उनका टिकट बनवाया है कि वो सम्मान पूर्वक अजमेर छोड़कर चले जाए। और उसके साथ में हमने उन्हें पानी की बोतल और बिस्किट भी दिए हैं ताकि रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो। पानी की बोतल हमने प्रतीकात्मक रूप से उनको इसलिए भेंट की है कि वो अजमेर की जनता को बीसलपुर का पानी पिलाने में नाकाम रहे। 72 से 98 घंटे में पानी आ रहा है। पहले ही ब्राह्मण समाज खून का घूंट पिए हुए बैठा हुआ है कि उन्होंने ब्राह्मणों का जमकर अपमान किया है, और ऐसी कोई कौम नहीं है। 36 कौम का अपमान कर अजमेर के शिक्षा राज्य मंत्री पद पर वो काबिज है। जिस तरह का हश्र उन्होंने किया है, उसलिए ब्राह्मण समाज ने उन्हें तय किया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं दे। इसलिए हमने पहले ही उनके इज्जत से जाने के लिए, सम्मान पूर्वक जाने के लिए उनको हमने उदयपुर का टिकट बनाकर भारतीय रेल का उन्हें प्रदान किया है। और बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो ब्राह्मणों की भावना को राष्ट्रीय लेवल तक समझे, और नहीं समझे तो बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था कि जिस तरह से नागपुर अजमेर पर उन्हें जबरदस्ती थोप रहा है, और ये नागपुर की नारंगी अब अजमेर में बिकने वाली नहीं है, और अजमेर में ऐसा कोई स्टोर नहीं है जो अजमेर की नागपुर की नारंगी को अजमेर में चला सके, और अजमेर की जनता को बहुत बेवकूफ बना चुके हैं, और निश्चित रूप से अजमेर की जनता उन्हें सबक से कदम लेगी। नाराजगी किस बात की है देवनानी? देवनानी जी से नाराजगी इस बात की है कि ब्राह्मण समुदाय का उन्होंने घोर अपमान किया था। अमित शाह से लेकर मोहन भागवत तक ब्राह्मण समाज ने खून भरे पत्र लिखे थे, अपना खून अजमेर की बालाजी मंदिर के नीचे बजरंगगढ़ चौराहे पर निकाला था। अब ब्राह्मणों का खून बेकार नहीं जाएगा, ब्राह्मणों की खूनी क्रांति है। चाहे तो टिकट भारतीय जनता पार्टी देकर देख ले। पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सारे जो दावेदार हैं वो खुद ही जयपुर जाकर इसकी मांग कर आए हैं कि टिकट देवनानी को छोड़कर किसी को भी दे दे। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जा रही है, यदि जनता की बात नहीं सुनी गई तो यही घोड़े और यही मैदान है, सामने लड़कर चुनाव देख ले। खुला उन्हें निमंत्रण है, आए और लड़े। ये उदयपुर का टिकट तो इसलिए दिया है कि ये आप सम्मानजनक तरीके से चले जाइए, फिर भी पार्टी नहीं मानती है तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। समाज की लड़ाई देवनानी से है या देवनानी समर्थित जो लोग हैं उनको टिकट मिलेगा उनसे भी है? सिर्फ समाज की जो लड़ाई है, न तो कांग्रेस से बैर है न भारतीय जनता पार्टी से बैर है। हमारा बैर सिर्फ वासुदेव देवनानी से व्यक्तिगत रूप से है कि वो उन्होंने जिस तरह की नीति अपना रखी है, बिल्कुल अजमेर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का उन्होंने संचार कर रखा है, और वो बिल्कुल दशहरे के रावण की तरह है, और इस रावण को अजमेर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कटवाया है क्या कारण? वासुदेव देवनानी जी ने जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज का अपमान किया था, और उसके बाद ब्राह्मण समाज ने जिस प्रकार से आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको नज़रअंदाज किया, ब्राह्मण समाज के युवकों ने अपने रक्त से उनको इसके समाचार लिख करके दिए कि इस प्रकार से कि ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है, ऐसे मंत्री को हटाया जाए। पार्टी ने जो न तो कोई मंत्री को हटाया बल्कि टिकट देने की कवायद की जा रही है। अगर ब्राह्मण समाज इसका विरोध करेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर देवनानी को टिकट दिया तो ठीक।